जय श्री राम दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री राधाष्टमी व्रत पूजन विधि और उद्यापन विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं राधाष्टमी पर राधा जी की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से तो पूरी दुनिया परिचित है, इसलिए राधा जी को गुणगान वल्लभा कहकर किया गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सिर्फ राधा अष्टमी की कथा सुनने से ही व्रत करने वाले व्यक्ति को धन सुख समृद्धि पारिवारिक सुख और मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण की पूजा के बिना राधा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। भारत के उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन बरसाना रावल और मार्ग के मंदिरों में राधा अष्टमी को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं श्री राधा अष्टमी व्रत की पूजन विधि के बारे में। राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, उसके बाद पूरे घर की सफाई करनी चाहिए, इसके बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए, इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और राधा जी की प्रतिमा को पंचम रस से स्नान कराना चाहिए और उनको नए वस्त्र और श्रृंगार से सजाना चाहिए। इसके बाद राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद धूप दीप फल फूल आदि चढ़ाना चाहिए। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। राधा अष्टमी की कथा सुननी चाहिए। अंत में राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारनी चाहिए और शाम के समय सिर्फ फलों का सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं श्री राधा अष्टमी व्रत उद्यापन विधि के बारे में। राधा जी के व्रत के उद्यापन में एक सूप लिया जाता है। उस सूप में श्रृंगार की सभी वस्तुएं रख दी जाती हैं, जिसके बाद सूप को ढक दिया जाता है और 16 दिए जलाए जाते हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दिया जाता है। अंत में श्रृंगार की सभी वस्तुओं को दान कर दिया जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।